हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में, जिसका स्थान भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर पर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ओमकारेश्वर मंदिर तक कैसे पहुँचे, मंदिर में दर्शन कैसे करें, और मंदिर में दर्शन करने के बाद उसके आसपास में और कहाँ कहाँ आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, मंदिर के आसपास में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आने का सही समय कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि इस यात्रा से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक सही तरीके से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा और कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर मंदाता द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसे ओमकार मंदाता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, इसलिए ये मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से हिंदू श्रद्धालु आते हैं। सावन के समय में यहाँ पर दर्शन करने के लिए लंबी लाइन देखने को मिलती है। भगवान शिव जी को समर्पित ये मंदिर भारत में काफी प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का आकार ओम के आकार का है, जिस वजह से इस मंदिर को ओमकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी महाकालेश्वर मंदिर से दूरी, जो कि उज्जैन में स्थित है, 140 किलोमीटर की है। ये मंदिर मंदाता द्वीप पर होने की वजह से आसपास का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करता है। आसपास की पहाड़ियाँ, ओम के आकार की परिक्रमा और आसपास की काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर इस जगह की पवित्रता को दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप ओमकारेश्वर मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप ओमकारेश्वर मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इंदौर या फिर उज्जैन के बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर तक के लिए बसेस मिल जाती हैं। यहाँ के लिए आपको सरकारी एंड प्राइवेट बसेस मिल जाती हैं, जो कि आपसे 200 रुपये से 250 रुपये तक के टिकट चार्जेस लेती हैं। ये सफर 6 से 7 घंटे का रहता है, जो आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखाते हुए ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँचाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं और अगर आप वहाँ से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर से ही ओमकारेश्वर मंदिर तक के लिए डेली बसेस चलती हैं, जो कि डेली अप डाउन करती हैं। ये बसेस महाकालेश्वर मंदिर से सुबह 9 बजे से चलती हैं एंड आपको 4 घंटे का समय देती है ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने का। आप अच्छे से 4 घंटे तक यहाँ पर अच्छे से समय बिताकर वापस बस से महाकालेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इन बसेस की टिकट 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक पर पर्सन की रहती है। महाकालेश्वर मंदिर से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी 140 किलोमीटर की है, और अगर आप महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी यात्रा की जानकारी की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन कम ही मिलेंगी, इसलिए आप खंडवा रेलवे स्टेशन या फिर इंदौर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। आप अपने शहर से इन दोनों रेलवे स्टेशन में से किसी भी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। खंडवा रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 70 किलोमीटर की है और इंदौर रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 78 किलोमीटर की है। आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंचा देती हैं। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर की है, जिसे आप ऑटो के थ्रू कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 10 रुपये पर पर्सन लेते हैं, आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के माध्यम से मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मंदिर के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। इंदौर एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी 84 किलोमीटर की है। आप इंदौर एयरपोर्ट से मंदिर तक गवर्नमेंट बसेस या फिर प्राइवेट बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू पहुँच सकते हैं। अगर आप बसेस के थ्रू आते हैं तो आपको मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप कर देती हैं बसेस, एंड अगर आप टैक्सी के थ्रू यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको वो मंदिर के पास में ही ड्रॉप कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँच चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, ठहरने के लिए आपको मंदिर के आसपास में ही प्राइवेट होटल्स एंड धर्मशाला मिल जाती हैं। होटल आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक में मिल जाते हैं एंड धर्मशाला आपको यहाँ पर 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक में इजीली मिल जाती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें ठहर सकते हैं। एंड अगर दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर खाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको ओमकार प्रसादालय देखने को मिलता है, जहाँ पर जाकर आप 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसमें आपको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भरपेट भोजन कराया जाता है, जो कि 20 रुपये में होता है। दूसरा ऑप्शन है, आपको मंदिर के पास में ही कई सारे भोजनालय और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे,
जहाँ पर आप भोजन की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले ओंकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं एंड उसके बाद आप मामलेश्वर पुल से होते हुए ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप मामलेश्वर पुल की जगह नाव से मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको नाव वाले मंदिर तक ड्रॉप कर देते हैं जो कि आपसे 20 रुपये पर पर्सन की टिकट लेते हैं। एंड मंदिर पहुंचने के बाद आपको मंदिर में ही इस ज्योतिर्लिंग के पंचमुखी रूप में दर्शन होंगे। आपको मंदिर में दर्शन आधे से एक घंटे में हो जाते हैं एंड अगर आप शिवरात्रि के समय या फिर सावन के समय में यहाँ पर आते हैं तो आपको भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद आप ओंकारेश्वर परिक्रमा मार्ग पर चलकर 8 किलोमीटर की परिक्रमा कर सकते हैं, जिसे ओम परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। ये ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा होती है जो कि ओम के आकार की होती है। इस पूरी परिक्रमा को करने में आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं और आपको इस परिक्रमा के दौरान काफी सारे मंदिर में दर्शन करने को भी मिलते हैं। उसके बाद आप ममलेश्वर पुल को पार करके ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दर्शन करने में आधे घंटे से कम का समय लगता है एंड उसके बाद आप नर्मदा नदी में नाव की सैर कर सकते हैं एंड यहाँ पर नाव की सैर करके आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप अगर महाकालेश्वर मंदिर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहले ही जा चुके हैं तो आप वापस अपने घर के लिए लौट सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा और समय रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, अगर आप दूर से आए हैं तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पूरी यात्रा को एक दिन में ही कम्प्लीट कर लेंगे। अगर बात करें कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा तो आप यहाँ पर साल के किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सावन के समय में और शिवरात्रि के समय में भीड़ देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का खर्चा आता है एक पर्सन का। दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ आपके ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ओंकारेश्वर मंदिर की यात्रा की सारी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप महाकालेश्वर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय हिंद।